अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और कैरियर से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से आपको बनाना बताएंगे होममेड ग्रीन रायता पाउडर, जो आप लोग पैकेट्स में लेते हो और ऑब्वियसली नॉट सो हाइजेनिक और बिल्कुल ये इकोनॉमिकल पड़ेगा। हाइजेनिक चीज़ होगी, आपको पता होगा आपने क्या बनाया। तो बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। देखें, इसको हम लोगों ने दो स्टेप में बनाना है। फर्स्ट स्टेप में हमने लेना है हाफ कप सूजी या सेमोलिना, हाफ कप सूजी लेनी है हमने। और ये देखिए, ये मैंने तकरीबन एक बंच लिया है धनिए का और एक बंच लिया है पुदीने का, और इनके लीव्स को अलग करके मैंने धो लिया है। ठीक है, ये हमारा पार्ट वन है और पहले इसको करते हैं रेडी, फिर हम आगे की चीज़ें बताएंगे। अब देखिए, हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर अपने पैन को जो है हीट अप करने रख दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे अपनी जो हमने सूजी हाफ कप ली थी वो, और इतनी देर वेट करेंगे कि ये अच्छे से गरम हो जाए। देखें, इसको मुसलसल चलाते रहना है कि इतनी देर में ये वार्म हो जाए, सूजी जले बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे मसाले में ऐड रहेगी। ठीक है, और फिर जब इसमें थोड़ी सी वार्मनेस आ जाएगी तो हम इसमें धनिया पुदीना डालेंगे और उसको ड्राई करने तक भूनेंगे। देखिए, सूजी के गर्म होने पर हमने अपने ये लीव्स डाले हैं और इन्हें हम इतनी देर भूनेंगे कि ये एकदम से ड्राई हो जाएं। ठीक है, 5 मिनट भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, हमें इनको भूनते हुए तकरीबन 3 मिनट का टाइम हुआ है और ये इतनी पोजीशन में आया है। अब इसको मज़ीद 2 मिनट और देते हैं। देखिए, ये बैठती जा रही है और आपने यूँ बिल्कुल प्रेस कर करके महसूस करना है कि बिल्कुल भी नमी ना रहे। हल्का सा भी पानी अगर रहा तो आपका जो मसाला है वो प्रिजर्व नहीं होगा। ये देखिए, अच्छे से ड्राई हो गए हैं। मुझे तकरीबन ही करते हुए 10 मिनट्स हो गए, इसलिए कि मैंने ज़्यादा वेट थे। और देखिए, बिल्कुल ये क्रिस्पी एकदम टूट रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो जाए तो हमने चूल्हे को बंद करके इसको ठंडा कर लेना है और फिर चलेंगे पार्ट टू पर। पार्ट टू के लिए हमने दोबारा से पैन को रख दिया है और अब हम इसमें सूजी लेनी है जितनी हमने ली थी उससे हाफ। इसको करेंगे हल्के हल्के से सोटे, जब ये गर्म हो जाएगी थोड़ी सी तो इसमें हम डालेंगे अपनी इसमें इंग्रेडिएंट थर्ड, जो के है दिस ग्रीन चिल्ली। ये बड़ी वाली ग्रीन चिल्ली मैंने 5 ली, अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो वो इसमें ऐड करेंगे। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर से इनको भी कर लेंगे ड्राई। यू कैन सी हमारी चिल्ली भी एकदम से जो है वो ड्राई हो गई एकदम, देखे ना। अब हम इसको भी बंद करेंगे और फिर आपको बताएंगे आगे का प्रोसीजर। अब पार्ट थ्री के लिए इसी पैन के अंदर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, अच्छा इसको भी अच्छे से सोटे कर लेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते हैं आगे का स्टेप। अब हमने ग्राइंडर में ये तमाम जो भुना हुआ मसाला है वो डालना है और उसके साथ ब्लैक पेपर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन अगर आपके पास पिसा हुआ साबुत हो तो आप वो भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जाएगा ये ज़ीरा तकरीबन 1/2 टीस्पून, इसमें जाएगा सॉल्ट, और इसके अलावा इसमें जाएगा मुकद्दस बेकिंग शॉप का एप्पल ग्रीन पाउडर कलर थोड़ा सा। अब ये ग्रीन पाउडर कलर है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। इस तरीके से हमारा ग्रीन रायता मसाला बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना टाइम, अपनी मनी वेस्ट होने से बचाएं और एक हाइजीनिक चीज़ रमज़ान में मुबारक के महीने में खाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।